सो गाइस कैफका में यहाँ पे कोई वर्डप्रेस का वेबसाइट है उसको यहाँ पे जो है एक न्यू डोमेन पे जो है माइग्रेट करना चाहते हो वो विदाउट एनी एसईओ लूज करे, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। सो इस वीडियो में गाइस मैं आपको फुल जो है माइग्रेशन का प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे जो है न्यू डोमेन पे अपनी वेबसाइट को जो है माइग्रेट करोगे एंड कैसे यहाँ पे आपको रिडायरेक्शन सेटअप करना है जिससे जो आपका एसईओ जो भी आपकी पोस्ट रैंक है वो यहाँ पे डायरेक्टली जो है न्यू डोमेन पे ओपन हो जाए। हो सकता है यहाँ पे जो आपका ओल्ड डोमेन है उसमें यहाँ पे एडसन जो है डिसेबल हो गया, क्या हो सकता है आपका कोई मूवी का साइट है तो क्या आपको बताइए कि मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट में यहाँ पर कुछ जो है डोमेन को लगातार जो है चेंज करना पड़ जाता है क्योंकि डोमेन वगैरह पे यहाँ पे डीएमसी वगैरह आते रहते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े मूवी साइट्स हैं वो कुछ इसी टाइप के प्रोसेस को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को यहाँ पर जो है न्यू डोमेन पर जो है माइग्रेट कर लेते हैं। सो वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करना क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको इस चैनल पे जो है मिल रहा है। एंड आप मेरे यहाँ पे ओल्ड वीडियोस भी चेकआउट करना, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर आपको मिल जाएगी। सो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जिस वेबसाइट को यहाँ पे मैं आपको माइग्रेट करके दिखाने वाला हूँ उसका यहाँ पे नाम है techinformer.in। सो ये यहाँ पे एक मेरा एक ऑटो ब्लॉगिंग का साइट है जिस पर यहाँ पे मैं ऑटो ब्लॉगिंग का यूज़ करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यूज़ के जो है आर्टिकल जो है फेच करता हूँ। सो देख सकते हो कुछ इस टाइप का यहाँ पे इसका इंटरफेस है एंड अगर मैं आपको पोस्ट यहाँ पे ओपन करके दिखाऊँ तो डायरेक्टली आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का यहाँ पे जो है पोस्ट ओपन हो रहा है एंड इसी डोमेन को गाइस मैं आपको इस डोमेन पे जो है माइग्रेट करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे आपको क्या करना है इसके आपको एडमिन पेज में आना है वर्डप्रेस के। सो वेबसाइट को यहाँ पे मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत जो इस वेबसाइट में दिखा लेता हूँ कि यहाँ पे कितने पोस्ट हैं, क्या क्या प्लगइन लगा हुआ है एंड कैसे मतलब सब जो है काम कर रहे हैं। उसके बाद जब हम न्यू डोमेन में माइग्रेट करेंगे तो देखेंगे हमारा सब डेटा यहाँ पे सेव है क्या नहीं। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग साइड है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे पोस्ट काफ़ी सारी होगी। सो देख सकते हो लगभग यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट है एंड अगर मैं आपको यहाँ पे थीम दिखाऊँ तो इस वेबसाइट में जो मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ न्यूज़पेपर का 11 एंड लगता है भी इसका यहाँ पे न्यूज़पेपर 12 भी यहाँ पे आ चुका है तो जल्दी मैं इसे जो है अपडेट कर लूँगा। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको प्लगइन्स दिखाऊँ तो जैसे हम इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाते सो प्लगइन्स यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो मेनली यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इजी टेबल ऑफ कंटेंट एंड फीचर इमेज का एक यूज़ कर रहा हूँ जो कि फीचर का मेनली यहाँ पे लाइट वेट कर देते हैं एंड जेट पैक एंड यहाँ पे साइड किट अभी के लिए मैं डिसेबल करा हुआ क्योंकि हम वेबसाइट जो है माइग्रेट करेगी तो साइड किट हमको माइग्रेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि डोमेन जो है अलग होगा तो यहाँ पे डेटा भी अलग होगा ठीक। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ऑटो प्लगिंग साइट है तो यहाँ पे मैं WP ऑटोमेटिक यूज़ कर रहा हूँ एंड WP यहाँ पे ऑटो स्पिनर भी यूज़ कर रहा हूँ जिससे क्या हो रहा है जब भी यहाँ पे कोई न्यू पोस्ट पब्लिश होता है वो ऑटोमेटिकली स्पिन होकर यहाँ पे जो है पब्लिश हो जाता है। एंड WP मेन्यू आइकन भी यूज़ कर रहा हूँ जिससे यहाँ पे मेन्यू में आइकन डाल सकूँ एंड Yoast SEO प्रीमियम यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँ। सो ये कुछ यहाँ पे मैं जो है प्लगइन्स को यूज़ कर रहा हूँ। एंड अगर गाइस आपको भी यहाँ पे अपना खुद का जो है एक प्रोफेशन जो है ऑटो प्लगिंग का साइट यहाँ पे रेडी करना है जिसमें यहाँ पे जो कंटेंट रहेगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पिन होकर आ जाए एंड मतलब कि सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक में रहे एंड उस पर अर्निंग कैसे कर सकते हो एंड कैसे मतलब कि मैंने इस साइट को जो है सेटअप करा है तो इस टॉपिक के ऊपर मैं यहाँ पे जल्दी जो है एक सीरीज लाने वाला हूँ ऑटो ब्लॉगिंग के ऊपर जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जो है ऑटो ब्लॉगिंग जो है बताने वाला हूँ। बाकी आप खुद भी सेटअप कर सकते हो, ज़्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है ऑटो ब्लॉगिंग का आपको साइट जो है रेडी करना है। बाकी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो इसे आप चैनल को यहाँ पर मेक श्योर सब्सक्राइब करना। सो के जो माइग्रेशन का प्रोसेस है यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स से जो है देखने को मिलेगा जैसे कि आप फाइल्स का बैकअप ले सकते हो, डेटाबेस का ले सकते हो एंड डेटाबेस में आपको थोड़े बहुत जो है चेंजेस करना होगा एंड जैसे न्यू होस्टिंग में यहाँ पे आपको फाइल्स को अपलोड करके एंड डेटाबेस को कनेक्ट करना होता है, उससे भी यहाँ पे जो है माइग्रेट कर सकते हो। पर यहाँ पे मैं आपको सबसे ईजी मेथड बताऊँगा जो कि हम ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन का यूज़ करके करेगी जो कि वर्डप्रेस पे आपको ईजिली जो है फ्री में जो है देखने को मिलेगा जो कि ईजीएस्ट मेथड है कि आप यहाँ पे प्लगइन का यूज़ करके करो। तो जैसे यहाँ पे आपको प्लगइन्स पे जाना है एंड यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। सो जैसे यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा एंड यहाँ पे जैसे आपको तो जैसे यहाँ पे आपको ऑल इन वन माइग्रेशन सर्च करना है, सेकेंड नंबर पर आपको जो प्लगइन देखने को मिला है इसको जैसे आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आपको इसे एक्टिवेट करना है एंड एक्टिवेट करने के बाद आपको इसका जो ऑल इन वन माइग्रेशन है ये आपको जो है देखने को मिलेगा एंड जैसे यहाँ पे वो क्लिक करना है एंड यहाँ पे कोई एक एक्सपोर्ट का बटन मिलेगा यहाँ पे क्लिक करना है एंड जैसे आपको इसे जो है फाइल में जो है एक्सपोर्ट कर लेना है एंड यहाँ पे जो है प्रिपेयर करेगा यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए। सो यहाँ पे कैसे जो है थोड़ा बहुत जो है टाइम ले सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो ब्लॉग है जिस पर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो
उसका डेटा यहाँ पे कितना बड़ा है, जैसे कि मैंने आपको डेटा दिखाया था, ये यहाँ पे ऑटो प्लगिंग के साइड है, तो उसका डेटा यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। एंडेक्स में यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा यहाँ पे प्लगिंग्स की फाइल है जो कि यहाँ पे एक्सपोर्टिंग हो रहे हैं। एंड अब यहाँ पे जो है डेटा बेस को एक्सपोर्ट करें, मतलब टोटली जब ये हो जाएगा आपको एक डब्ल्यू प्रेस का एक फाइल जो आपको ये प्रोवाइड करेगा, एंड उसका यूज़ करके आप जो है अपनी न्यू वेबसाइट में जो है इम्पोर्ट कर सकते हो। 245 MB का यहाँ पे आपको इसका फाइल जो है देखने को मिला है, जस्ट इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। सो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपको अपने न्यू डोमेन को ओपन करना है, एंड जो आपका डोमेन है उसमें यहाँ पे आपको एक फ्रेश जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि देख सकते हो जिस डोमेन में मैं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लो infinitytech.org.in। सो इसमें जैसे हम अपने होस्टिंग में जाके जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, एंड जैसे यहाँ पे हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे हम https करेंगे, एंड डोमेन यहाँ पे हमारा है infinitytech.org, एंड WP रिमूव करना आपको, एंड पासवर्ड यहाँ पे आप जनरेट कर लेना, एंड नेम वगैरह तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो मैं जैसे आपको यहाँ पे फटैक्स से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, तो डिस्क यहाँ पे इंस्टॉल भी हो चुके हैं। एंड जैसे यहाँ पे हम जो है वर्डप्रेस का एडमिन पेन एक्सेस करते हैं, एंड इसको रिलोड करेंगे, तो डिस्क तो अभी वेबसाइट हमारा ऐसा है, एंड जैसे हम इंपोर्ट करेंगे वो आप देखना। तो जस्ट जैसे आपका वर्डप्रेस आ जाता है, आपको डायरेक्टली जो है ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन है उसको डायरेक्टली आपको इस पर इंस्टॉल कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑल लिखते हैं, यहाँ पे हमको ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन जो है देखने को मिला है। आप यहाँ पे इसका पूरा नाम लिख लेना अगर आपको देखने को नहीं मिलता, एंड जैसे हम इसे इंस्टॉल करेंगे, एंड डायरेक्टली मेन हमको यहाँ पे डेटाबेस को इंपोर्ट करना है। एंड मेक श्योर यहाँ पे आपके होस्टिंग यहाँ पे जो मैक्स अपलोड साइज है वो यहाँ पे इंक्रीज हो, ताकि यहाँ पे आप जो है अपलोड कर सको। तो जैसे आपको इस पे जाना है, एंड यहाँ पे आपको इस पर इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखोगे जैसे कि हमारा यहाँ पे दिखा रहा है कि मैक्सिमम अपलोड साइज जो है 2 MB है, एंड हमारे जो फाइल है यहाँ पे 250 MB का है, तो यहाँ पे हमको अपलोड फाइल साइज जो है इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हम अपनी होस्टिंग में आते हैं, अगर आप सी पेन होस्टिंग यूज़ करो तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, बाकी अगर आप एच पेन वगैरह यूज़ करो तो उनका अलग हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको PHP लिखना है, PHP आपको INI एडिटर मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, डोमेन को सिलेक्ट करना है, एंड इसको इंक्रीज करना है। जैसे कि हम 2000 MB कर देते हैं, सारी चीज़ें को इंक्रीज करके अप्लाई करने के बाद रीलोड करेंगे तो देख सकते हो 800 MB वाला यहाँ पे हो चुका है। एंड जैसे अब हम जो है से इम्पोर्ट कर सकते हैं, बस फाइल पर क्लिक करना है, एंड जो फाइल यहाँ पर आपने डाउनलोड करा है उसको यहाँ पर आपको इम्पोर्ट करना है। एंड जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो जो आपका एडमिन का डिटेल्स रहेगा, जो आपके ओल्ड वर्डप्रेस पे था जिससे आप लॉगिन करते थे, वही आपका यहाँ पे न्यू वाले पे हो जाएगा। तो जैसे हम इसे इंपोर्ट होने देते हैं, सो देख सकते हो यहाँ पे जैसे आपका इंपोर्टिंग कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पे एक वार्निंग बोलेगा कि जो आपका ओल्ड डेटा बेस है उससे यहाँ पे ओवरराइट होगा, तो जो आपके प्लगइन्स एंड थीम रहेगी उन सबका बैकअप ले लेंगे जो भी इस वेबसाइट में। तो इस वेबसाइट में हमारा कुछ भी नहीं है, तो हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड करोगे आपका ये ब्लॉग जो है प्रिपेयर करेगा, एंड जैसे ये सब इंपोर्ट करता है, जो आपका यहाँ पे ओल्ड जो वेबसाइट है उसके अंदर जो पासवर्ड था एडमिन का, वही आपका न्यू वेबसाइट यहाँ पे जो है पासवर्ड हो जाना है। एंड मुझे तो इस वेबसाइट यहाँ पे एडमिन डिटेल जो है याद नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑटो लॉगिन का मेनली यूज़ करता था होस्टिंग का, तो मुझे यहाँ पे जो है पासवर्ड को यहाँ पे जो है बदलना पड़ेगा। तो मेक श्योर आपका जो ओल्ड ब्लॉग है इसका आपको पासवर्ड यहाँ पे याद हो। तो 71% कम्प्लीट हो चुका है, तो वेट करते हैं। एंड मेनली यहाँ पे हमको ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। मैंने जैसे आपको ओल्ड वेबसाइट में दिखाया था कि इतनी सारी चीज़ें हमारा इंपोर्ट होगा, एंड देख सकते हो यहाँ पे सेव प्लगइन सक्सेस, मतलब कि मेनली हमारा जो साइड है वो यहाँ पे इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुके हैं। एंड जस्ट फिनिश करोगे तो जैसे आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करके देखना, सो देख सकते हो यहाँ पे हमारा वेबसाइट जो है ओपन हो चुका है। एंड आप जो है इस वेबसाइट को देखो एंड इसको देखो, मतलब कि आप डिफरेंस ही बता लो मुझे कि क्या डिफरेंस है, मतलब A to Z हमारा वन क्लिक में यहाँ पे एक न्यू डोमेन पे जो है माइग्रेट साइड हो चुका है। बाकी ऊपर यहाँ पे साइट का नेम चेंज करना, लोगो चेंज करना, ये सब तो अपने हिसाब से कर लेना। एंड इंपॉर्टेंट पेजेस में यहाँ पे आपको चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि वो डोमेन के हिसाब से जनरेट होता है, तो ये सब तो आपको कर लेना है। एंड मैं आपको पोस्ट भी ऊपर दिखाऊँ तो कुछ भी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अब मेनली बात है कि मान लो यहाँ पे कोई भी जो हमारा ये वाला लिंक जो है इंडेक्स है गूगल में, तो जैसे ही कोई इस लिंक को ओपन करे तो ये हमारा लिंक जो है अपनी
न्यू वर्डप्रेस पे यहाँ पे ओपन होती है। अगर जैसे कि अभी कोई भी इसे ओपन करेगा तो ये इसी साइड पे ओपन हो रहा है, हमको चाहिए यहाँ पे न्यू साइड पे ओपन हो। तो एक बार क्या करते हैं, इस लिंक को यहाँ पे नोटपैड में रखते हैं ताकि मैं आपको इसे रीडेड करके दिखाऊँ तो पता लगे, ठीक है। तो इसको रीडेड करने के आपको अपने सी पैनल में आना है। सी पैनल में आने के बाद यहाँ पे हमारा लॉगआउट हो चुका है, तो एक बार मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। सो देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपनी सी पैनल में यहाँ पे दोबारा लॉगिन कर चुका हूँ। तो मेरे लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आर ई अगर आप लिख दोगे तो यहाँ पे आपको एक रीडायरेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे वो क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पे 301 रीडायरेक्ट करना है जो कि परमानेंट रहता है। एंड यहाँ पे आपको डोमेन सेलेक्ट करना है, पर ये करने से पहले आप अपने डोमेन की जो फाइल्स हैं उन सबको डिलीट कर लेना। एंड जस्ट यहाँ पे हमारा जो डोमेन है जिसकी हमारा मेन डोमेन है तो पब्लिक एस्टीमेट भी होगा। एंड देख सकते ये हमारा ओल्ड वर्डप्रेस का फाइल है, तो हम इन सबको अब डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी हमको कोई भी नीड नहीं है। तो जैसे हमने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद यहाँ पे हमको जाना है रीडायरेक्ट के ऑप्शन में जो कि आपको डोमेन्स में मिलेगा, ठीक है। एंड 301 ही करना है, डोमेन सेलेक्ट करना है टेकी इन्फॉर्मर। एंड जो यूआरएल रहता है वो आपका मेन डोमेन आपको डालना है जो आपका न्यू डोमेन रहेगा। बोले कि जैसे ही हमें लिंक कॉपी करना है हमको बिल्कुल वैसा ही जो है लिंक आपको डाल देना है यहाँ पे रीडायरेक्शन करना है, ठीक है। सो अभी तक यहाँ पे हमने क्या सेटिंग करा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टाइप में यहाँ पे आपको 301 करना है, एंड डोमेन में यहाँ पे आपको डोमेन डालना है जो आपका ओल्ड डोमेन है। एंड रीडायरेक्ट टू में आपको यहाँ पे जो है अपना न्यू डोमेन डाल देना है जिस पे भी यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करना है। एंड यहाँ पे आपको जो वाइल्ड कार्ड रीडायरेक्ट मिल रहा है इस पे आपको क्लिक करना है एंड जस्ट ऐड कर देना है। सो जैसे यहाँ पे वाइल्ड कार्ड रीडायरेक्ट को टिक करके यहाँ पे ऐड करोगे तो जो आपके यहाँ पे लिंक्स रहेगा, जैसे कि जो मेरा ये लिंक था ये आपके न्यू डोमेन पे ओपन हो जाएगा। एंड ये भी नहीं कि न्यू डोमेन पे ओपन होगा तो पोस्ट नहीं ओपन होगा, यहाँ पे पोस्ट भी ओपन होगा। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखना यहाँ पे जो हमारा न्यू डोमेन है उसी में यहाँ पे जो है पोस्ट ओपन हुआ है, एंड सेम यहाँ पे पोस्ट ओपन हुआ है। तो कुछ इसी टाइप से कैसे हम यहाँ पे डोमेन नेम को जो है चेंज कर सकते हो। एंड इसमें यहाँ पे होगा कोई भी एसईओ का लॉस नहीं होगा, तो यहाँ पे जो आपके ओल्ड लिंक्स रहेगी वो सारे न्यू डोमेन पे ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करेगी। एंड जो आपके पोस्ट वगैरह वाला ये सब यहाँ पे जो है वर्क करेगी। सो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।